जी हाँ दोस्तों, अभी आपने जो दृश्य देखा है वो 1980 में रिलीज हुई मल्टी स्टार कास्ट मूवी शान की एक बेहद ही लोकप्रिय गीत यम्मा यम्मा की है। आज की इस वीडियो में हम शेयर करेंगे इस गाने के बनने के पीछे की कुछ अनसुने किस्से, जैसे कि किशोर कुमार ने इस गीत को गाने के लिए क्यों मना किया था, क्यों रफी साहब इस गाने को दोबारा रिकॉर्डिंग करना चाहते थे और गाने में यम्मा यम्मा शब्द का क्या मतलब है, सब बताएंगे इस वीडियो में। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका जनता टॉकीज। 1980 में रिलीज हुई ये मल्टी स्टार कास्ट मूवी शान से डायरेक्टर रमेश सिप्पी साहब को काफी उम्मीदें थी। वो एक्चुअली शोले की सफलता को दोबारा दोहराना चाहते मूवी शान से। उन्होंने अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को भी फाइनल कर लिया था रोल के लिए, लेकिन धर्मेंद्र साहब के कुछ डेट इश्यूज और कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से वो इस मूवी का हिस्सा ना बन सके और फिर हेमा मालिनी भी इस मूवी को करने से इनकार कर दिया था। ये सब तो आपको मालूम ही होगा, लेकिन इस वीडियो में हम बात करेंगे आरडी बर्मन और मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ एकमात्र डुएट सॉन्ग यम्मा यम्मा के बारे में, जो काफी हिट हुई थी मूवी रिलीज होने के बाद और जिसे लोग सुनना आज भी उतना ही पसंद करते हैं। आप जब यम्मा यम्मा गीत को देखेंगे तब आपको शायद शोले मूवी का एक गीत महबूबा महबूबा की याद आएगी। दोनों गानों में ही आरडी बर्मन साहब का यूनिक वॉइस को डाला गया था। गब्बर सिंह और शाकाल, ये दोनों खलनायक अपने आसन में बैठकर गाने का लुफ्त उठा रहे थे। दोनों गानों में हेलेन ने अपना बेहतरीन नृत्य प्रस्तुत किया था। कोई भी गाने में कोई फीमेल वॉइस नहीं था, जबकि दोनों गानों में ही हेलेन और दूसरे फीमेल कैरेक्टर्स ने मेल कैरेक्टर्स के साथ जम के नाचा था। इस गीत के बोल यम्मा यम्मा की भी एक बहुत ही मजेदार कहानी है। जिस दिन आनंद बख्शी साहब गए गीत को लेकर आरडी बर्मन के पास म्यूजिक डिस्कस करने के लिए, तब उधर मौजूद थे मूवी के डायरेक्टर रमेश सिप्पी। रमेश सिप्पी चौंक गए ये सुन के जब गाने के शुरू में यम्मा यम्मा शब्द का यूज किया गया था और उन्होंने बख्शी साहब से ये पूछा कि यम्मा यम्मा का मतलब क्या है। जवाब में आनंद बख्शी भी मुस्कुराए और बोले कि इसका जवाब तो सिर्फ मजरू सुल्तानपुरी ही दे सकते हैं। ये सुन के रमेश सिप्पी एकदम से चुप हो गए और आरडी बर्मन हैरान, क्योंकि इस मूवी के गीतकार थे आनंद बख्शी ना कि मजरू सुल्तानपुरी। पंचमता आनंद बख्शी से पूछे कि मजरू सुल्तानपुरी का इस गाने के साथ क्या कनेक्शन है। तब हंस के आनंद बख्शी ने यह कहा कि जब वो इस गाने की बोल लिख रहे थे तब उन्हें क्षमा शब्द का कोई भी ठीक राइमिंग वर्ड मिल नहीं रहा था। अचानक उन्हें याद आया 1960 में रिलीज हुई मूवी चाइना टाउन का एक गीत यम्मा 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 तू परवाना मैं शम्मा, जिसको गाया था मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने और गीतकार थे मजरू सुल्तानपुरी। सब हंस दिए और फिर यम्मा यम्मा शब्द को ही फाइनलाइज किया गाने के लिए। बताना चाहूंगा कि मजरू सुल्तानपुरी साहब से भी वो लोग कॉन्टेक्ट किए बाद में, जानने के लिए कि सही में यम्मा यम्मा शब्द का कोई मतलब है या नहीं। मजरू सुल्तानपुरी साहब जब ये बात सुने वो भी हंस दिए और उन्होंने भी सेम जवाब दिया कि उनको भी शम्मा शब्द का राइमिंग वर्ड मिल नहीं रहा था, बोल के ही यम्मा यम्मा शब्द का यूज किया था वो अपने गाने में। तो आरडी बर्मन शुरू कर दिए गाने की प्रस्तुति और रफी साहब को बोले उनके साथ डुएट के लिए। तब मूवी के शूट खत्म करने का एक प्रेशर भी था सब पे, तो रमेश सिप्पी ने कहा आरडी बर्मन से कि इस गाने की शूटिंग बहुत जल्दी खत्म करना होगा, तो जल्द से जल्द इस गाने की रिकॉर्डिंग खत्म करो। और वही हुआ, रफी साहब पहुंचे स्टूडियो में, पंचमदा भी पहुंचे कुछ देर के बाद स्टूडियो में, लेकिन रफी साहब को यह लगा कि पंचमदा का तबीयत कुछ ठीक नहीं है। पूछने से उन्होंने बताया कि उनको काफी बुखार है और गला भी बैठा हुआ है। दुखी होकर पंचमदा रफी साहब से ये कहा कि आज शायद वो गाना गा नहीं पाएंगे, लेकिन गाना जैसे भी हो आज रिकॉर्ड करना ही होगा क्योंकि ठीक दो दिन के बाद उसी गाने का शूटिंग भी है। ये सुनकर रफी साहब ने पंचमदा को एक सलाह दी। उन्होंने कहा पंचम आज जैसे भी हो गाने का एक रफ वर्जन हम लोग रिकॉर्ड करके शूटिंग पर भिजवा देते हैं, हमारा गला जब ठीक हो जाएगा फाइनल वर्जन रिकॉर्ड करेंगे। पंचमदा राजी हुए और काफी खुश भी हुए ये सुनकर, और फिर जैसे भी हो करके दोनों ने इस गाने का रिकॉर्डिंग को कंप्लीट किया। गाना पहुंचा शूटिंग सेट में, शूटिंग भी हुआ, लेकिन गाने की अगले रिकॉर्डिंग डेट फाइनल होने से पहले ही रफी साहब को अचानक दिल का दौरा पड़ा, एक मैसिव हार्ट अटैक।
और वो अपने लाखों करोड़ों चाहने वालों को छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। दिन था 30 जुलाई 1980। पूरा देश रो रहा था। आरडी बर्मन ने इस गाने को दोबारा किसी दूसरे सिंगर के साथ रिकॉर्ड ना करने का सोचा और उस गाने को एज ए ट्रिब्यूट टू मोहम्मद रफी जैसा रिकॉर्ड हुआ था सेम वैसा ही रखा। जिस गाने को हम सब सुनते आ रहे हैं इतने दिनों से, वो दरअसल एक रफ वर्शन रिकॉर्डिंग किया हुआ गाना है जो सुनने में इतना मेलोडियस और मनमोहक है। प्लीज दोस्तों कमेंट कीजिए, अगर इसका फाइनल वर्शन रिकॉर्ड होता तो बेटर होता, या जो वर्शन हम लोग सुनते आए हैं वही बेहतरीन है। हाँ, और एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा वीडियो में, किशोर कुमार को लेके एक बात कुछ YouTube चैनल्स में बोला गया है कि आरडी बर्मन ने पहले किशोर कुमार से कहा था इस गीत को गाने के लिए और किशोर दा ने मना कर दिया था। क्यों? इस गाने का पिच काफी हाई है और वो इस गाने को नहीं गा सकते हैं। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, बहुत ही गलत बात है। जो गायक बेकरार दिल है तू गाए जा से लेके, मेरे नैना सावन भादो से लेके, पग घुंघरू बांध मीरा नाची थी, मुझे नौलखा मंगा दे रे, शीशे की उम्र प्यार की जैसे हाई पिच गाने गा के धमाका मचा दिया था, वो गायक यम्मा यम्मा को मना करेंगे? नीचे कमेंट में लिखिए अपनी राय। और एक चीज बताना चाहूंगा कि बहुत लोग ये कहते हैं कि हाथी मेरा साथी का एक गाना नफरत की दुनिया, ये गाना किशोर कुमार कभी गा नहीं पाए, इसीलिए इस गाने के लिए मोहम्मद रफी को बुलाया गया था। बल्कि सच्चाई यह है कि किशोर दा इस गाने को कभी गाए ही नहीं। किशोर दा इस गाने के लिरिक्स सुन के ही म्यूजिक डायरेक्टर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी को कहा था कि ये गाना मोहम्मद रफी साहब के लिए बना है, अब उनको बोलिए ये गाना गाने के लिए। जबकि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल जी का फर्स्ट प्रेफरेंस इस गाने के लिए था किशोर कुमार। बात करें फिल्म शान की, तो ये मूवी शोले जैसा उतना सक्सेसफुल तो नहीं था बॉक्स ऑफिस में, लेकिन इस मूवी के गाने काफी लोकप्रिय हुए। इनफैक्ट इस मूवी के दो गाने यम्मा यम्मा और प्यार करने वाले प्यार करते हैं शान से आज भी काफी सारे म्यूजिकल शोज में ऑडियंस की फरमाइश में गाया जाता है और काफी सारे ऑडियंस के प्लेलिस्ट का हिस्सा होता है इस मूवी के गाने। तो दोस्तों ये था आज की प्रस्तुति, आशा करते हैं कि आज की ये इंफॉर्मेशन आपको अच्छा लगा होगा। लाइक और शेयर करना मत भूलिए, कमेंट जरूर कीजिए आपकी राय, और जाने से पहले सब्सक्राइब कीजिए जनता टॉकीज को। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो के साथ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।